नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईआरबी इलाहाबाद में एनसीआर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको पता है एनसीआर में 3 डिवीज़न है, इलाहाबाद, झांसी और आगरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे एएलपी और टेक्नीशियन के क्वालिटर के डिस्पैच होने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन के, तो आपके इलाहाबाद डिवीज़न वाले कैंडिडेट जो टेक्नीशियन के हैं उनका जॉइनेटर जो है वो डिस्पैच होना शुरू हो चुका है और उनको कॉल किया गया है, बुलाया गया है आपके डिवीज़न पर रिपोर्ट करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एलपी वाले कैंडिडेट्स, तो एनसीआर में ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एलपी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो कि बिलोंग करते हैं झांसी डिवीज़न से, उनका भी जॉइनेटर यहाँ पर डिस्पैच होना शुरू हो चुका है। और अगर हम बात करते हैं प्रयागराज मंडल की और आगरा के बारे में, तो वहाँ का अभी डिस्पैच नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द उसका भी डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यहाँ पर सभी आपके जो जॉइनेटर्स हैं या फिर ज्वाइनिंग के प्रोसेस है उसे पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा भारत खुल रहा है और डेवलप की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के सिलसिले में यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का वो भी शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर झांसी की तरफ से एएलपी का क्वालिटर डिस्पैच होना शुरू हो चुका है और टेक्नीशियन के लिए आपके इलाहाबाद मंडल से भी डिस्पैच होने शुरू हो चुके हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं ऑफिशियली प्रूफ और क्या आपका प्रूफ ये कहाँ से आया हुआ है। तो कैंडिडेट के द्वारा ही उनका जॉइनेटर जो है वो शेयर किया गया है मुझ तक, और मैं आप तक ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि सभी कैंडिडेट ये बात जान सकें कि उनका ज्वाइनिंग है वो डिस्पैच होना शुरू हो चुका है और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा प्रूफ। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, अभी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट हो, कोई नई इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पहले आपको दिखाते हैं टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जो कि इलाहाबाद डिवीजन से डिस्पैच किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका देखिए प्रयागराज मंडल में टेक्नीशियन का जो है क्वालिटर है, क्वालिटर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड। और यहाँ पे देखिए आपका काफ़ी कैंडिडेट के दिमाग में ये डाउट है कि क्वालिटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, यहाँ पे जो मेडिकल आपका मेंशन कर रखा है, इससे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हैं कि क्या ज्वाइनिंग के टाइम पर फिर से मेडिकल एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों, ये डाउट अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। ज्वाइनिंग के टाइम पर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम नहीं होता है, जो आपकी मेडिकल एग्ज़ाम पहले हो चुके हैं आप उसमें क्लियर हो चुके हैं, तो बस आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको ये केवल और केवल ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका नियुक्ति कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी में साफ साफ लिखा हुआ है, दस्तावेज सत्यापन एवं नियुक्ति हेतु बुलावा पत्र, ये आपका इलाहाबाद डिवीजन से जारी किया गया है, कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। और देखिए यहाँ कैंडिडेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने हाइड कर दिया है ताकि उसकी प्राइवेसी पर कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करते हैं किस दिन को रिपोर्ट करना है डिवीज़न पे, तो वो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 8 जुलाई 2020 का, यानी 8 जुलाई 2020 को इनको सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। वीडियो में पहले आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पर लेके जाना है डिवीज़न में, तो वो पूरा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन लिंक उठा के देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत आपको, कोई डाउट आपके दिमाग में ना रहे। इसके अलावा जो टाइमिंग है वो 10 बजे का है, 10 बजे मॉर्निंग में उनको रिपोर्ट करना है डिवीज़न पर। और जो आपका डिवीज़न का एड्रेस देखिए वो भी आपको मेंशन कर रखा है, दस्तावेज सत्यापन केंद्र जो आपको बनाया गया है वो आपका पर्सनल डिपार्टमेंट DRM ऑफिस प्रयागराज। और देखिए यहाँ पे आपको साइन करना है हिंदी और इंग्लिश में। इसके अलावा जो आपके ज्वाइनिंग के साथ साथ आपके अटेस्टेशन फॉर्म होते हैं, आइडेंटिटी बॉन्ड होता है, कैटर सर्टिफिकेट होता है, इस सब का फॉर्मेट जो है मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, आपके क्वालिटर के साथ वो आया होगा, उसको आप बनवा लीजिएगा, पूरा फिलअप कर लीजिएगा, जो भी जहाँ भी आपको प्रमाणित करवाना, सत्यापित करवाना है वो करवा लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको ज्वाइनिंग में। और जो उसका वीडियो है वो पहले ही प्रोवाइड आपको कर चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा, कैसे आपको फॉर्म को भरना है, क्या क्या बनवाना है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने आपको शेयर कर दिया है। और देखिए ये आपको पूरा आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन कर रखा है और CEN नंबर देखिए 0218 है, ये टेक्नीशियन वाले कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग आ चुकी है इलाहाबाद डिवीजन से। अब दोस्तों हम बात करते हैं झांसी के बारे में, जहाँ से आपका क्वालिटर डिस्पैच किया गया है ALP कैंडिडेट का, चलिए उसका भी हम वीडियो देख लेते हैं पूरा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि यहाँ झांसी में वो जो कैंडिडेट है उसका ALP का ही ज्वाइनिंग आया हुआ है। और बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं अगर उन तक वीडियो पहुँचती है या फिर कोई भी उनका ज्वाइनिंग उनके घर तक आता है, तो प्लीज़
मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो आपकी खबर है, जो आपकी सूचना है, वो सभी कैंडिडेट तक पहुंचाया जा सके। तो प्लीज़ फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी पर अपना जो कॉलेटर है उसका एक फ़ोटो क्लिक करके आप मुझ तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए अब चलते हैं, आपको झांसी के बारे में बताते हैं आपको, और झांसी का जो एलपी कैंडिडेट है उसको जानिए, आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से आया हुआ है, और ये आपका फ़ोटो है पूरा ज्वाइन लेटर का। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम मेंशन है, विकास प्रभाकर सना गंगा प्रसाद प्रभाकर, इनका एड्रेस लिखा हुआ है, झांसी से ही बिलोंग करते हैं, और झांसी डिवीजन से इनका ज्वाइन लेटर है वो डिस्पैच हो चुका है। यहाँ पर देखिए सील लगी हुई है उत्तर मध्य रेलवे झांसी का, और ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके घर में पहुँचाया गया है। अब अगर हम बात करते हैं ये जो कैंडिडेट हैं ये एलपी के हैं टेक्नीशियन के, तो फ्रेंड्स ये कैंडिडेट आपके झांसी डिवीज़न में एलपी के हैं, इसका प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। चलिए आपको जो लिस्ट जारी हुआ था डिवीज़न अलॉटमेंट का, वहाँ पे इनका नाम सर्च करते हैं और देखते हैं इनकी कैटेगरी क्या है और पोस्ट क्या है, रोल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका डिवीज़न अलॉटमेंट लिस्ट है, देखिए आपका कैटेगरी नंबर लिखा हुआ है 1 एंड 2, CEN नंबर 0218, अलॉटमेंट ऑफ डिवीज़न। इसी में आप जब नीचे आएंगे और सर्च करेंगे विकास प्रभाकर जी का नाम, तो यहाँ पर देखिए ये कैंडिडेट का नाम है विकास प्रभाकर, और नंबर मेंशन है, CEN नंबर मेंशन है। इसके अलावा ये SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो कैटेगरी है इनका 2 NCR है, और झांसी डिवीज़न इनको अलॉट किया गया है। तो फ्रेंड्स ये ALP के ही कैंडिडेट हैं जिनका डिवीज़न अलॉटमेंट होने के बाद अब ज्वाइन डिस्पैच होना शुरू हो चुका है, और झांसी कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। अब दोस्तों डेट क्या है, कॉल डेट ऑफ कॉल क्या है, किस दिन को डिवीज़न में रिपोर्ट करना है, ये सब बातें तो अभी तक मुझसे नहीं शेयर हो पाई हैं, लेकिन बहुत जल्द अगर मुझे शेयर किया जाता है तो मैं आप तक वीडियो प्रोवाइड जरूर कर दूंगा और सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जहाँ जहाँ शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड्स के पास। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहते हैं, आपको हमेशा अपडेट रखते हैं अपने डिवीज़न से और फिर आपके ज्वाइनिंग के बारे में। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।